कक्षा 8 भारत की खोज हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। लेखक के विषय में जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर थे जो कि कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सारस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। उनकी माता स्वरूप परानी थुसु जो कि लाहौर में बसे एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थीं, मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी। वह पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू 3 बच्चों में से सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी बहन विजयलक्ष्मी जो कि बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सबसे छोटी बहन कृष्णा हठसिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और उन्होंने अपने परिवारजनों से संबंधित कई पुस्तकें लिखी। 1890 के दशक में नेहरू परिवार, आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं जो कि नेहरू जी के बचपन से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। इंग्लैंड में उन्होंने 7 साल व्यतीत किए जिसमें वहां के फैबियन समाजवाद और आयरिश राष्ट्रवाद के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित किया। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू महात्मा गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति खासे आकर्षित हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए कांग्रेस द्वारा नेहरू निर्वाचित हुए। यद्यपि नेतृत्व का प्रश्न बहुत पहले 1941 में ही सुलझ चुका था जब गांधी जी ने नेहरू को उनके राजनीतिक वारिस और उत्तराधिकारी के रूप में अभिस्वीकार किया। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत के सपने को साकार करने के लिए चल पड़े। भारत का संविधान 1950 में अधिनियमित हुआ जिसके बाद उन्होंने आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की।
मुख्यतः एक बहुवचनी बहुदलीय लोकतंत्र को पोषित करते हुए उन्होंने भारत के एक उपनिवेश से गणराज्य में परिवर्तन होने का पर्यवेक्षण किया। विदेश नीति में भारत को दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय नायक के रूप में प्रदर्शित करते हुए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। वे भारत में लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहे। भारत में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी की लिखी हुई पुस्तकें जो कि प्रकाशित हुई उनकी सूची इस प्रकार से है। ये कुछ ही पुस्तकों के नाम हम यहाँ दिखा रहे हैं। पिता के पत्र सुपुत्री के नाम 1929, विश्व इतिहास की झलक ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दो खंडों में 1933, मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी 1936, भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1945, राजनीति से दूर इतिहास के महापुरुष राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू 1992। इस प्रकार से नेहरू जी द्वारा लिखी हुई ये कुछ पुस्तकों के सूची है। आइए जानते हैं भारत की खोज पुस्तक की रचना किस प्रकार से हुई। भारत की खोज की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर के किले की जेल में हुई। यह पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 के बीच के अपने साथियों और संबंधियों को समर्पित की गई है। तिथियों का यह चुनाव संयोग भर नहीं है, बल्कि उस दौर की घटनाओं के प्रति नेहरू के गहरे सरोकार की ओर इशारा करता है। पुस्तक की भूमिका में नेहरू ने कारावास के प्रिय साथियों को बहुत सम्मान से स्मरण किया है। कारावास के जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद उन्होंने असामान्य रूप से योग्य और सुसंस्कृत इन व्यक्तियों के साहचर्य की अपना सौभाग्य माना। इस रचना में भारत के इतिहास को घटनाक्रम में नहीं बल्कि संस्कृति की यात्रा के रूप में देखने और समझने का प्रयास है। आइए आज हम भारत की खोज पाठ 8 तनाव के विषय में जानेंगे। यह तस्वीर उस समय की है जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में तनाव की स्थिति थी। आइए इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के विषय में जानते हैं। पहला शब्द है तनाव, जो कि इस पाठ का नाम भी है। इसका अर्थ है असमंजस्य की स्थिति। अगला शब्द है प्रतिनिधित्व, इसका अर्थ है नेतृत्व करना। स्वीकृति, अर्थ है मंजूरी देना। अगला शब्द है समापन, इसका अर्थ है समाप्ति। सम्मान पूर्वक, आदर के साथ।
आइए पाठ के विषय में जानेंगे। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहां क्या होगा? भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा? यह तस्वीर भारत छोड़ो आंदोलन की है, जो कि इसी समय में प्रारंभ किया गया था। भारत के सामने अब जो चुनौती थी, उसको सामने देखते हुए भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रारंभ किया गया। आइए जानते हैं कि वह चुनौती क्या थी और कैसी थी। चुनौती: भारत छोड़ो प्रस्ताव। बंबई, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, बंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की, जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया था, ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो और जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमलों को रोकना। कांग्रेस कमेटी ने संसार की आजादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व हिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से एक संपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। 8 अगस्त सन 1942 को काफी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह बंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुईं और इस तरह हम अहमदनगर के किले में आए। इस पाठ से संबंधित यह प्रश्न है, जो कि स्वयं करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले किन्हीं 5 स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में लिखें।
इसका उत्तर लिखते समय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों के भारत छोड़ो आंदोलन में जो जो उनके योगदान रहे उनके विषय में भी लिखेंगे। धन्यवाद।